बात अगर हम करें आज के अगले क्वेश्चन की, तो आज का हमारा अगला क्वेश्चन है 0 से पाई एक्स टेन एक्स अपॉन सेक एक्स प्लस टेन एक्स। इस क्वेश्चन में हमें सबसे पहले थोड़ा सा इसको सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करने के बाद हम इसमें प्रॉपर्टी नंबर 5 यूज करेंगे। सॉल्व क्या करना है, आपको सबने साइन कॉस में चेंज कर देना है। न्यूमरेटर में जो ये 10x है, इसके बदले में हम साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स लिख सकते हैं, और ये sec x को हम 1 बाई कॉस एक्स लिख सकते हैं, और ये 10x को साइन एक्स बाई कॉस एक्स। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो ये हमारा 1 प्लस साइन एक्स आएगा। होल अपॉन का कॉस और ये वाला कॉस कैंसिल होगा, तो ऊपर में केवल साइन एक्स बचेगा। अब यहाँ पर देखिए, आपका क्वेश्चन अभी भी वैसी था, आपने कुछ नहीं किया था, बस साइन कॉस में चेंज करके थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया था। तो आपका आई जो बन गया वो 0 से पाई एक्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। अब यहाँ पर आप प्रॉपर्टी नंबर 5 यूज कर लीजिए। प्रॉपर्टी नंबर 5 में x की जगह पर a माइनस एक्स पुट किया गया है। a आपको ऊपर मिलेगा, तो ऊपर देखिए पाई है, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ पर आप पाई माइनस एक्स पुट कर दीजिए। ये पाई माइनस एक्स तो हमारा वैसे का वैसे ही रहेगा, साइन 180 माइनस थीटा और कुछ नहीं, साइन थीटा ही वापस आएगा। इसके बाद इस साइन एक्स को दोनों के साथ आपने मल्टीप्लाई करके सेपरेट कर देना है। साइन एक्स जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो पाई साइन एक्स अपॉन का ये 1 प्लस साइन एक्स, और ये साइन एक्स का जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो एक्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। माइनस का साइन बीच में था। इसे आप ध्यान से देखिए, ये आपका और कुछ नहीं आई है, इसको आपने आई में लिख दिया। इस आई को जब आप इधर शिफ्ट करेंगे तो ये आपका 2i, यहाँ पर ये आपका वैसे रहेगा। अब इसे इंटीग्रेट करते समय नीचे 1 प्लस साइन एक्स है, तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा मैनिपुलेशन करना पड़ेगा। आपको अपनी तरफ से प्लस का 1 और माइनस का 1 बनाना पड़ेगा। प्लस का 1 और माइनस का 1 बनाने के बाद आप इसे क्या करेंगे, यहाँ से फिर से आप सेपरेट करेंगे। सेपरेट करेंगे तो कुछ आपको इस तरह से चीज़ें नज़र आएंगी। इसे ध्यान से देखिए, ये तो अपने आप कट कर 1 आ जाएगा, और यहाँ पर 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स बनेगा। इसके बाद क्या करना है, ये लिमिट जो है इसके दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। सामने जो आपका पाई चलता आ रहा है, इस पाई को ध्यान से कर्ली ब्रैकेट लगा कर ही छोड़िएगा, क्योंकि कल के डेट में यहाँ पर आपको दो अलग अलग इंटीग्रेशन है। दो अलग अलग इंटीग्रेशन में इस पाई को अगर आपने गलती से केवल इसके साथ ले लिया और इसके साथ नहीं लिया, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। अब इसके बाद सोचिए, आप इसे तो आराम से इंटीग्रेट कर लेंगे, लिमिट भी पुट कर लेंगे, इसे भी आप इंटीग्रेट कर सकते हैं बड़े आसानी से। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले पिछले क्वेश्चन में 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स आया था, जिसको आपने इंटीग्रेट किया था। सेम इसी मेथड से यहाँ पर जो 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स है, इसे भी आप इंटीग्रेट कर लीजिए। दोनों को इंटीग्रेट करके वैल्यू पुट करके इस पाई का मल्टीप्लिकेशन करके आप इसे सॉल्व करिए, और आपका आंसर आना चाहिए आई इज इक्वल टू पाई बाई 2 ब्रैकेट में पाई बाई 2। ठीक इसी तरह का जो अगला क्वेश्चन है वो है हमारा 0 टू पाई एक्स टेन एक्स अपॉन सेक एक्स इंटू कॉसेक एक्स। यहाँ पर हमने प्रॉपर्टी नंबर 5 यूज करी। प्रॉपर्टी नंबर 5 यूज करने के बाद जो यहाँ पर जहाँ जहाँ आपको x दिखे, उस x की जगह पर आपको a माइनस एक्स यानी पाई माइनस एक्स रखना है। हमने जहाँ जहाँ x नज़र आया वहाँ वहाँ रख दिया। ये हमारा पाई माइनस एक्स वैसे का वैसे रहेगा, टेन 180 माइनस थीटा, टेन 180 माइनस थीटा और कुछ नहीं, माइनस टेन थीटा होता है, तो इसी चीज़ का यूज करते हुए ये माइनस टेन एक्स है। और सेक 180 माइनस थीटा भी माइनस सेक एक्स होगा, और कॉसेक 180 माइनस थीटा प्लस का कॉसेक एक्स आता है। तब तक ये माइनस और ये माइनस यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे। माइनस कैंसिल होने के बाद आपको ये वापस नज़र आएगा। अब इस 10x को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करके सेपरेट कर दीजिएगा। मल्टीप्लाई करके जब आप सेपरेट करेंगे तो ये आपका कुछ इस तरह से नज़र आएगा।
इसे ध्यान से देखिए, ये और कुछ नहीं आपका आई है, है? तो इस पूरे के बदले में तो आप आई लिख देंगे। तब तक आप यहां पर समझिए, ये 10x को मैं लिख सकता हूं साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, तो यहां कॉस एक्स आएगा, वो इस सेक एक्स के साथ मिलकर 1 बन जाएगा, ऊपर में आपका साइन एक्स है, ये कॉसेक एक्स जो है ऊपर जब जाएगा तो ये साइन एक्स बनेगा। अभी ये 1 बाई कॉसेक एक्स जो है ये आपको साइन एक्स नजर आएगा, यहाँ पर एक साइन बचा था और यहाँ से भी एक साइन आ रहा है, तो ये पाई साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स है। ये वाला हिस्सा तो आपका ऑलरेडी आई बन ही चुका है, अब आपको इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए आप माइनस आई वाले पार्ट को इधर शिफ्ट करके इधर 2i बना लीजिए, यहाँ से पाई को बाहर निकाल दीजिए और सोचिए कि साइन स्क्वायर एक्स को आप किस तरह से इनडेफिनिट इंटीग्रेशन चैप्टर में इंटीग्रेट करते थे, सेम उसी तरह का आप इसे सॉल्व करें। सॉल्व करने के बाद आपका फाइनल आंसर आना चाहिए i इज इक्वल टू पाई स्क्वायर अपॉन 4। इसे सॉल्व जरूर करेंगे।